हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में हम लीगल एप्टीट्यूड सीरीज़ का जो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ये लेक्चर नंबर 6 होगा हमारा। ये लेक्चर नंबर 6 है। काफ़ी टाइम लग गया, 3-4 दिन हो गया इसको लाने में, कुछ इशू आ गया था उसकी वजह से। तो अगर आपने फर्स्ट 5 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाके देख लो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। लीगल एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट बना, वहाँ पर आप देख सकते हो। और एक और चीज़, जो लोग भी 2023 के लिए CUET 2023 के लिए अपियर होंगे, उनके लिए दो चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स करके, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DULLB, ऐसे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम क्या करवाते हैं, डेली प्रैक्टिस क्विज के फॉर्म में होता है, कुछ इंपॉर्टेंट PDF हो गया वो हम देते हैं, कुछ नोटिफिकेशन हो गया ऐसा एज सच, तो इस तरीके से वहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके लिए रिलेवेंट है वहाँ पे सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। और एक हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, DU फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से, वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, कुछ डाउट हो पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पे भी हम नोटिफिकेशन हो गया, कुछ क्विज हो गया, इस तरीके से करवाते रहते हैं, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट चीज़ एक। बाकी आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज ये सब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पब्लिक ऑफेंसेस के बारे में, पब्लिक ऑफेंसेस क्या होता है, ठीक है। तो अंडर IPC Chapter 8 डील्स विद द पब्लिक ऑफेंसेस। Chapter 8 में दिया गया कि पब्लिक ऑफेंसेस से डील करना कैसे होता है। दीज ऑफेंसेस कुड बी कैटेगराइज इंटू 4, जैसे कि अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, एनिमिटी अमंग्स डिफरेंट क्लासेस, एफ्रे। तो ये जो एनिमिटी अमंग्स डिफरेंट क्लासेस है इसको हम बाद में देखेंगे, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन से वो है अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग एंड एफ्रे। तो इन तीनों को हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगा और एजॉल्ट के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें शुरू करता हूँ मैं एफ्रे से। एफ्रे क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सेक्शन देखो आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है याद करना, हाँ कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे वो जो होगा मैं बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, एवरेज डिफाइंड एज व्हेन टू और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, सॉरी दे आर सेट टू कमिट इन एवरेज। मतलब क्या हुआ इसका, जब दो या दो से ज़्यादा लोग पब्लिक प्लेस में फाइट करते हों, लड़ाई झगड़ा करते हों और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हों, तो उसको हम बोलते हैं एफ्रे। ये इसका डेफिनेशन है। और इसी में इसका 3 इंग्रेडिएंट्स है, क्या है, फर्स्ट टू और मोर पर्सन होना चाहिए, पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए फाइट, और डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। ये 3 इंग्रेडिएंट्स है तभी एफ्रे कहलाएगा। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो एफ्रे वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फाइन, या दोनों हो सकता है। अब देखो इंग्रेडिएंट्स ऑफ एफ्रे देखते हैं। एफ्रे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे डेफिनेशन में भी आपने देखा होगा, फाइटिंग बाई 2 or more persons, द फाइटिंग मस्ट टेक प्लेस इन पब्लिक प्लेस, सेकेंड सच फाइटिंग मस्ट ऑल्सो रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। ये तीनों बताया था आपको, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना चाहिए, पब्लिक प्लेस पे फाइट होना चाहिए, और ये जो है ना मस्ट है, फाइटिंग मस्ट टेक प्लेस, मस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, होना ही चाहिए। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं एफ्रे का। अब देखो कुछ केस लॉज के थ्रू हम समझते हैं कि एफ्रे होगा कब नहीं होगा। एक केस है जगन्नाथ शाह का, 1937 का, काफ़ी पुराना केस है। इसका फैक्ट, इसके फैक्ट्स को देखते हैं। टू ब्रदर्स वर quarreling and abusing one another on a public road in a town. A huge number of people gathered around them. Even traffic was jammed, but no actual fight broke out between them. It was held that no affray was committed. क्यों ऐसा क्यों कहा गया? देखो quarrel हुआ था दोनों के बीच में, गाली गलौज भी हुई थी, ठीक है, लेकिन क्या है ना, देखो no actual fight ब्रोक आउट, मतलब फाइट मस्ट टेक प्लेस लिखा हुआ था ना। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स क्या था हमारा, फाइट मस्ट टेक प्लेस, राइट। तो
ये यहाँ पे नहीं हुआ था इसलिए एफरे नहीं होगा। बाकी पब्लिक प्लेस था वो भी हुआ था, ठीक है, पब्लिक पीस को भी डिस्टर्ब थोड़ा बहुत हुआ था, पब्लिक गैदरिंग ट्रैफिक जैम हुआ था, लेकिन फाइट नहीं हुआ था, तो एफरे में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, बाबूराम का केस है वर्सेस एम्परर। अ पर्सन वॉज अटैक्ड एंड ओवर पावर्ड। देखो यहाँ पे फाइट हो चुका है। अ पर्सन वॉज अटैक्ड एंड ओवर पावर्ड मतलब उसे मारा पीटा गया, सॉरी, बाय टू अदर पर्सन्स, ठीक है, इन ए पब्लिक प्लेस। तो फाइट टुक प्लेस, यहाँ पे ये हुआ, फाइट टुक प्लेस, फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा हो गया फाइट टुक प्लेस, फर्स्ट। सेकंड पब्लिक प्लेस भी है, पब्लिक प्लेस भी है। उसके आगे देखते हैं, ही कुड मेरली डिफेंड हिमसेल्फ, ही वॉज इट वॉज हेल्ड दैट दे वर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस बिकॉज देर वॉज फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस विच डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। और पब्लिक पीस भी डिस्टर्ब हुआ था, पब्लिक पीस भी डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, तो ये एफरे में आएगा। ये आपको समझाने के लिए, केस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस आपको समझाने के लिए केस को यहाँ पे कोट किया गया है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, राइटिंग क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। सेक्शन 146 एंड 147 ऑफ IPC डील्स विथ राइटिंग, ठीक है। अगेन सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इट यूजुअली टेक्स प्लेस एज अ वे टू डिसेंट समथिंग, किसी चीज़ को क्या कहते हैं, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, या बाय फोर्स, मतलब होता है ना कि आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना चाहते हो लेकिन आप फोर्स भी यूज कर रहे हो। डिसेंट समथिंग फॉर ए परसीव्ड थ्रेट, थ्रेट भी होना चाहिए, और ग्रीवेंस, तो किसी चीज़ को, जैसे आगे जब हम डेफिनेशन इसका देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि राइटिंग होता क्या है। किसी चीज को पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, जब आप स्ट्रांगली मारपीट के द्वारा, ठीक है, इस तरीके से जब आप क्रिटिसाइज करते हो पॉलिसीज को, गवर्नमेंट पॉलिसी या किसी भी चीज को लेकर के, रिलीजियस सेंटीमेंट्स हो सकता है, इस तरीके से जब भी मास मूवमेंट हो तो उसे हम बोलते हैं राइटिंग, ठीक है। और राइटिंग में क्या होता है, एक थ्रेट होता है, परसेप्शन ऑफ थ्रेट होता है कि हार्म, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म किया जा सकता है, लोगों को मारा पीटा जा सकता है, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं राइटिंग। और ये सेक्शन 146 एंड 147 इसे डील करता है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। वेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी ऑफेंस हो, जैसे ऑफेंस यहाँ कहने का क्या मतलब होता है, किसी भी तरीके का ऑफेंस हो सकता है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, किसी पर्सन को मार पीट रहे हो, आप लोगों को धमका रहे हो, ठीक है, ट्रेसपास कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है वो, तो उस केस में हम यहीं वहाँ यहाँ पे यही कहा गया कि ऑफेंस उसी को कहा जाएगा। तो क्या है, वेन ऑफेंस इज कमिटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल और एनी पर्सन बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल हो या कोई भी पर्सन उस ग्रुप से बिलोंग करता हो, इस टर्म एज राइटिंग। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या उस ग्रुप के कोई भी इंसान जब किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व हो इस तरीके का, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं राइटिंग। फॉर राइटिंग द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 5 पीपल इज नेसेसरी। ये आपको याद रखना, आपके एग्जामिनेशन से ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि राइटिंग के लिए एटलीस्ट कितने लोगों का होना ज़रूरी है, तो वह एटलीस्ट 5 पीपल, 5 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे राइटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, दंगा हम बोलते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। तो दंगा जैसे होता है तो उसमें क्या होता है कि दंगा में कुछ भी हो सकता है, लोगों को मारना पीटना हो सकता है, किसी बिल्डिंग को तोड़फोड़ करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 पीपल होने, दंगा को, दंगा क्या होता है हिंदी में अगर बोलूँ तो, दंगा करवाने के लिए एटलीस्ट 5 लोग होने चाहिए, इज नेसेसरी। दिस ऑफेंस इज जनरली ग्राउंडेड इन सिविल अनरेस्ट, इसकी वजह से क्या होता है, सिविल अनरेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, सिविलियंस में मतलब केओस आ सकता है, उसी को बोलता है सिविल अनरेस्ट बोला जाता है। एंड इज यूजुअली सडन एंड प्रोवोकेटिव बिहेवियर, और क्या होता है, सडन एंड प्रोवोकेटिव होता है दंगा। कभी भी क्या होता है ना, जैसे अचानक से होता है, जब रिलीजियस सेंटीमेंट्स को मान के चलो हर्ट किया, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश किया गया था तो उस टाइम पे यही हुआ था, ठीक है, रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट किया गया था, तो लोग आ गए थे रोड पे, लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे थे। तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, इट शोज अ हर्ट लाइक मेंटालिटी। जैसे हर्ड लाइक मेंटालिटी का मतलब, जैसे होता है ना हर्ड ऑफ शीप, झुंड, हर्ड ऑफ शीप बोलते हैं, तो हर्ड का मतलब होता है झुंड, तो झुंड पूरा एक जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना वो एक जैसा सोचता है ये ऐसा करना है, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन दैट इन केस
इफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू गिल्टी ग्रुप हैज नॉट कमिटेड अ वायलेंट एक्ट इवन देन ही और शी विल बी लाइबल फॉर राइटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप उस ग्रुप के मेंबर हो, ठीक है, वेदर यू हैव कमिटेड क्राइम और नॉट, यू विल बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट। यही कहा गया है, अगर आप उस ग्रुप के मेंबर हो, मान के चलो पांच लोग हैं, देर आर फाइव पीपल, ठीक है, तो एक्स वाई जेड ए बी, ये पांच लोग हैं। अब क्या होता है कि ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ग्रुप एक ही है इन लोगों का, लेकिन ये चार लोग मिलके तो पार्टिसिपेट करते हैं, ये नहीं करता है पार्टिसिपेट, लेकिन फिर भी जो है ये लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए, इसमें यही कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स इज टू कॉन्स्टिट्यूट राइटिंग इज अ कॉमन इंटेंशन। आगे समझाऊंगा कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, आगे पढ़ाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कॉमन इंटेंशन से। ठीक है, कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कॉमन इंटेंशन होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। दिस वेरी कॉमन इंटेंशन मेक्स ऑल द पीपल इन द ग्रुप लाइबल टू बी पनिश्ड। कॉमन इंटेंशन की वजह से ही क्या होता है, ठीक है, ऑल द पीपल इन द ग्रुप लाइबल टू बी पनिश्ड, उसी की वजह से सारे लोगों को पनिशमेंट के लिए लाइबल किया जाता है, इवन वेन दे हैव नॉट इवन कमिटेड द क्राइम themselves इन राइटिंग। आपको ऊपर समझाया था कि अगर आप नहीं भी करते हो लेकिन उस ग्रुप के मेंबर हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब देखो ये ऐसे बेसिक सा है फैक्ट्स। हिस्टोरिकली राइटिंग यूज टू टेक प्लेस ड्यू टू ग्रीवेंसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। राइटिंग क्यों होता था वो दिया गया है कि जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट में, अगर बोला था ना कि आप मतलब बाय थ्रेट अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो उससे बोलते हैं राइटिंग। दंगा कैसे होता है, रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हो सकता है, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी आपको किसी ग्रुप ऑफ पीपल को पसंद नहीं आया हो, ठीक है, जैसे किसान आंदोलन वाला जो केस था, अगर मान के चलो यहाँ पे हुआ नहीं था लेकिन अगर मान के चलो क्या होता कि ये लोग सड़क पे आ जाते और मारपीट करना शुरू कर देते, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट इनके सेंटीमेंट्स को हर्ट हुआ था, ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी आउटकम है स्पोर्टिंग इवेंट, फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट एनी लीगल जजमेंट, कुछ भी हो सकता है, एनी रीजन, टैक्सेशन, ऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट अमंग रेसेस, ठीक है, यही सब दिया हुआ है। अब देखो पनिशमेंट फॉर राइटिंग प्रेजेंट अंडर सेक्शन 148 ऑफ द IPC, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं अगेन, एंड दिस इज डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, ठीक है, और फाइन और बोथ। दिस ऑफेंस इज कॉग्निजिबल, आपको बताया था पिछले वीडियो में मैं कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजिबल ऑफेंस किसको बोलते हैं, जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और उसका जो मिनिमम पनिशमेंट होगा 3 years या 3 years से ज़्यादा होगा, ठीक है, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो पिछला वीडियो जाके आप देख लो। अब देखते हैं थर्ड टॉपिक जो हमारा है, अनलॉफुल असेंबली है। तो सेक्शन 141 ऑफ द IPC डील्स विद द अनलॉफुल असेंबली, ये सेक्शन आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू होता है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है अनलॉफुल असेंबली, तो इसका सेक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक अनलॉफुल असेंबली होता है, एक लॉफुल असेंबली होता है, तो लॉफुल असेंबली हमारा फंडामेंटल राइट है, इससे होता है ना राइट टू असेंबल पीसफुली, किस आर्टिकल में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(b) में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन अनलॉफुल असेंबली कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 141 ऑफ द IPC, राइट, तो आपको इसका सेक्शन याद रखना है। अब देखते हो डेफिनेशन देखते हैं इसका, असेंबली ऑफ 5 or more people, अगेन यहाँ पे क्या है, 5 or more people टू कमिट एन अनलॉफुल ऑफेंस, अगर ग्रुप ऑफ 5 or more people हैं एंड दे कमिट एन अनलॉफुल ऑफेंस इज कॉल्ड अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी भी अनलॉफुल ऑफेंस को अंजाम देते हैं तो उसे, और उस ग्रुप को जो फॉर्म किया गया है उस ऑफेंस को करने के लिए, उसे हम बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इज द प्रेजेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, अगेन यहाँ पे देखो कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, राइटिंग वाले केस में भी था, टू डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, ठीक है, एंड ट्रैंक्वैलिटी,
पब्लिक पीस को भी डिस्टर्ब करना, पब्लिक पीस डिस्टर्ब होना चाहिए, ये जो रेड लेटर में लिखा गया है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में मैं इसको समराइज करूँगा, उसके लिए टेंशन मत लो। द मेयर प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन इन एन असेंबली विदाउट एनी मोटिव टू इन्फ्रिंज द पीस इन द सराउंडिंग इज नॉट पनिशेबल। यहाँ पे एक डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि राइटिंग में क्या था कि अगर आप ग्रुप के मेंबर्स हो, आपने क्राइम किया है या नहीं किया तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपने पब्लिक पीस को इन्फ्रिंज नहीं किया, अगर आपने पब्लिक पीस को डिस्टर्ब नहीं किया तो आपको क्या है पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस है राइटिंग में और अनलॉफुल असेंबली में। लेकिन क्या है वहाँ भी पाँच, एटलीस्ट फाइव मेंबर्स चाहिए होते थे, यहाँ पे भी क्या है फाइव और मोर पीपल चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द कॉमन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन द एम एंड नेचर ऑफ द असेंबली। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अनलॉफुल असेंबली टर्न्स आउट टू बी, सॉरी लॉफुल असेंबली टर्न्स आउट टू बी एन अनलॉफुल असेंबली। बस ये तो ऐसे ही है। देखो ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस क्या होता है अनलॉफुल असेंबली का। टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, राइट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इस चीज़ को क्रिमिनल फोर्स को आप यहाँ देखो, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करना किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, ये पर्पस है। दूसरा क्या हो सकता है, टू रजिस्ट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, टू कमिट एनी मिसचीफ और ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी पर्सन, किसी मतलब पब्लिक को डिस्ट्रॉय, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ट्रेसपास करना, ठीक है, ये सब पर्पस होता है। टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन टू डिप्राइव हिम ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ एनी राइट, सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट अ पर्सन एंड कंपेलिंग हिम टू डू समथिंग विच ही इज लीगली नॉट बाउंड टू डू, ठीक है। तो ये है, अब देखो कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा था, ऊपर आया था ना दो दो बार, तो ये सेक्शन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 34 ऑफ द IPC टॉक्स अबाउट कॉमन इंटेंशन। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 34 डज नॉट बाई इट्सेल्फ क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस, राइट। इसका क्या कहने का मतलब होता है, इसको मैं समझाता हूँ अभी आपको, कि जस्ट आपका कॉमन इंटेंशन है, ठीक है, तो अपने आप में ऑफेंस नहीं कहलाएगा जब तक आप एक्ट नहीं करोगे उस इंटेंशन पे, राइट। जैसे सपोज करो देर आर फाइव पीपल, देर आर फाइव पीपल हैं, जैसे पांच लोग हैं, ठीक है, और इनका क्या है यहाँ पे सपोज करो एक मॉल है, ठीक है, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब अभी इंटेंशन इनका ऐसा कि इस मॉल में जाके मतलब लूटना है जाके, या कुछ मतलब डिस्टर्ब करना है पब्लिक को, या कुछ ऐसा कॉमन इंटेंशन है। सपोज करो एक पर्सन है एक्स, उसको ये बात पता है, वो कर देता है कंप्लेन जाके कि इनका इंटेंशन ऐसा है, लेकिन अभी तक इन्होंने एक्ट नहीं किया उस पर, दे हैव नॉट एक्टेड ऑन द प्लान, तो क्या होगा उस केस में, इनको आप पनिशमेंट के लाइबल नहीं कर सकते हो, ठीक है। जस्ट कॉमन इंटेंशन ये कहा गया, सेक्शन 34 डज नॉट बाई इट्सेल्फ क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस, जब तक आप करते ना, आगे जब थर्ड फोर्थ पॉइंट पे आएगा उसको समझ जाओगे आप। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 द मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन अक्यूज्ड पर्सन इज नेसेसरी। जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके साथ आपका सहमति होना जरूरी है, ठीक है, आप कंसेंट उसके साथ आपका मैच करना चाहिए, वही कहा गया मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन द अक्यूज्ड पर्सन इज नेसेसरी। सेक्शन 34 अप्लाइज व्हेन टू और मोर पर्सन्स, ये आपको याद रखना है, टू और मोर पर्सन्स इंक्लूडिंग द अक्यूज्ड टू डू क्रिमिनल एक्ट मस्ट देयरफॉर बी प्रेजेंट व्हेन द एक्ट इज डन, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट होना जरूरी है और वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये कहा गया इसमें। देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, सम एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन ए क्राइम इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस इज नेसेसरी अंडर सेक्शन 34, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में वही कहा गया कि सम एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है होना चाहिए, फिजिकल वायलेंस, जैसे क्राइम इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस, जैसे जो भी क्राइम जो फिजिकल वायलेंस जिसमें इन्वॉल्व हो वहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे आपको, एक देखना ध्यान से, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पे देखते हैं एक बारी। सपोज करो फाइव पीपल हैं, फाइव पर्सन हैं,
ठीक है, दे हैव प्लान टू मर्डर अ पर्सन एक्स, राइट। वो अपने घर पे है। अब क्या होता है, जैसे मान के चलो तीन लोग अंदर जाते हैं, थ्री पर्सन घर के अंदर जाता है, ठीक, और एक मेन गेट पे होता है खड़ा। एक पर्सन जो है मेन गेट पे खड़ा है और एक जो है यहाँ पे व्हीकल को लेके, कार को लेके खड़ा है, ताकि जैसे ही अगर उन्होंने क्राइम कमिट किया और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो जल्दी से वो वहाँ से भाग सके। तो सॉरी, जो ये तीन पर्सन है तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी एक्टिवली पार्टिसिपेट ही कर रहा है क्योंकि आप क्राइम सीन पे प्रेजेंट हो और आप एक्टिव पार्टिसिपेंट इसलिए हुआ क्योंकि आप हेल्प कर रहे हो, उसको असिस्ट कर रहे हो। मेन गेट पे खड़ा है देखने के लिए कि कोई आ ना जाए, ये गाड़ी लेके खड़ा है कि जल्दी से भागेंगे यहाँ से। तो ये होता है फिजिकल वायलेंस का यहाँ पे सीन था, और सम एक्टिव पार्टिसिपेशन इज यहाँ पे हो रहा है, इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हो रहा है, ये एग्जाम्पल था। ठीक, अब आते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, सेक्शन 149 कंटेम्पलेट्स कॉमन ऑब्जेक्ट्स, इट डज क्रिएट ऑफेंस इन इट सेल्फ। जैसे कि राइटिंग के बारे में बताया था ना आपको, वहाँ पे क्या था कि अगर पांच लोग मेंबर्स, पांच लोग ग्रुप में हैं, तो अगर आप ग्रुप के मेंबर्स भी हो तो आपको जो है पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉमन था। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप टारगेट जो आपका है ना वो कॉमन है। उस केस में क्या होता है कि आप क्रिएट, ये अपने आप में एक ऑफेंस होता है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लियर हो, आपका ऑब्जेक्ट कॉमन हो, तो उस केस में क्या होता है, इट डज क्रिएट ऑफेंस इन इट सेल्फ। दोनों में फ़र्क है। ये सेक्शन 34 में क्या है और सेक्शन 149 में फ़र्क क्या है, कि सेक्शन 34 अपने आप में ऑफेंस नहीं है, लेकिन सेक्शन 149 क्या अपने आप में ऑफेंस है। ये चीज़ आपको डिफरेंस याद रखना है। अब देखो थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेक्शन 149 अप्लाइज ओनली वेन देर इज अनलॉफुल असेंबली ऑफ फाइव और मोर पर्सन। ये तभी होगा जब फाइव और मोर पर्सन का असेंबली होगा, अनलॉफुल असेंबली होगा, तभी अप्लाई होगा ये, ठीक है। अंडर सेक्शन 149 ऑफ द लाइबिलिटीज अराइजेस बाई रीजन मेयर मेंबरशिप ऑफ द अनलॉफुल असेंबली विथ कॉमन ऑब्जेक्ट एंड देयर मे नॉट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कमीशन ऑफ द क्राइम। कौन सा केस था, रॉयटिंग वाला केस था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। अब डिफरेंस देख लेते हैं, लास्ट में समराइज कर देता हूँ, एजॉल्ट आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। अभी इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, एफरे हमने पढ़ा, रायट्स के बारे में हमने पढ़ा, तो दोनों को समराइज करता हूँ एक साथ, टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। तो एफरे में क्या होता है, मस्ट बी कमिटेड इन पब्लिक प्लेस। एफरे जो होता है, बताया था ना, थ्री इंग्रेडिएंट्स था एफरे का, पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए, फाइट मस्ट टेक प्लेस एंड पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना चाहिए। तो ये मस्ट कमिटेड इन पब्लिक प्लेस, ये प्राइवेट प्लेस में नहीं हो सकता है। रायट क्या होता है, मे बी कमिटेड इन एनी पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस, ये कहीं पे भी किया जा सकता है, ये फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, मस्ट बी कमिटेड बाई टू और मोर पर्सन। एफरे में क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट टू पीपल रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्या है, फाइव और मोर पर्सन रिक्वायर्ड है। अनलॉफुल असेंबली में भी कितना था, फाइव और मोर पर्सन रिक्वायर्ड था। अब देखो, देयर मस्ट बी अ कॉमन ऑब्जेक्ट। राइट में क्या था, राइट्स में कॉमन ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे भी कॉमन ऑब्जेक्ट आता है ना, वहाँ आप ग्रुप के जस्ट मेंबर हो, आप उसी बेसिस पे आपको लायबल कर दिया जाएगा, भले ही आपने पार्टिसिपेट किया हो या ना किया हो, ठीक है। वही है कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था, तो आज इतना ही करता हूँ क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा नेक्स्ट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे इसको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।